हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव 12 नवंबर को संपन्न हुए, जहां 76% मतदान कर पहली मर्तबा प्रदेश की जनता ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग के लिए मतदान की प्रक्रिया जहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना और मौसम में बदलाव चुनौती के तौर पर सामने था, तो वहीं चुनाव आयोग के चाक चौबंद प्रबंध और व्यवस्था ने मतदान प्रक्रिया को सफल बनाया, जिसका हर्ष मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने व्यक्त किया। वहीं देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी के निधन और निधन से पूर्व अपने मत के प्रयोग से सभी जन को मतदान के प्रति प्रेरित करने का उदाहरण भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने वक्तव्य में साझा किया। साथ ही शहरी क्षेत्रों में मतदान में कमी के चलते मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने चिंता व्यक्त की। अगर हम अभी सर्विस वोटर्स को हटा दें, क्योंकि सर्विस वोटर्स के पोस्टल बैलेट्स अभी आने हैं, तो हमारा 75.6% जो है मतदान इस वर्ष रहा है। और हम हालांकि पिछली बार से अच्छा है, लेकिन हम इतने सेटिस्फाइड तो नहीं हैं इसमें, क्योंकि हमारे जो कुछ अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज शेष राज्य से कम हुआ है। तो हमारा ये प्रयास था कि अर्बन एरियाज़ को भी हम टैकल करें, अर्बन एपथी को टैकल करें और उसमें मत प्रतिशत बढ़े। लेकिन अर्बन एरियाज़ में जो है वो अगर बाकी राज्य का जो हमारा एवरेज वोटिंग परसेंटेज है तो अर्बन एरियाज़ का उससे लगभग 8% कम है। तो ये एक चैलेंज बचा है या है मेरे ख्याल से। अदरवाइज़ हमारा जो टर्नआउट काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस रहा और बड़ा अच्छे माहौल में और पीसफुल माहौल में पूरा इलेक्शन संपन्न हुआ। जो स्नोबाउंड एरियाज़ थे या ऑलरेडी हो गए हैं उसमें मुख्यतः एक लाहौल स्पीति का है। लाहौल स्पीति की जो सारी मशीन्स हैं काजा से भी और केलोंग से भी उनको शिफ्ट कर दिया गया था थ्रू हेलीकॉप्टर भुंतर जो ट्राइबल भवन का जो उनका स्ट्रांग रूम है वहाँ पर। इसके अलावा जो पांगी की जो मशीन्स हैं उनको चंबा में शिफ्ट कर दिया गया था और भरमौर की भी चंबा में शिफ्ट कर दी गई हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे कोई नहीं है जहाँ पे कि स्नोबाउंड है, किन्नौर की ऑलरेडी सभी मशीन्स जो हैं वो रिकॉम्पियो के स्ट्रॉन्ग रूम में पहुँचा दी गई। इंटरेस्टिंग रहा ये पीरियड और एक चैलेंज भी था, एक नया बहुत कुछ सीखने को भी मिला और खट्टे मीठे अनुभव तो ऐसे बताना मुश्किल है। पर एक ऑफकोर्स उससे हमें बड़ा दुख हुआ कि जो हमारे श्याम शरण नेगी जी का देहांत हुआ इस दौरान, और बट उसमें देहांत के बावजूद उससे जो दुख तो हुआ ही, लेकिन ये भी एक संतोष हुआ कि वो उनको भी एक संतोष हुआ होगा कि अंतिम समय में भी वो अपना वोट कास्ट करके गए। और एक गर्व का अनुभव हुआ जब स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी उनके परिवार से मिलने उनके निवास स्थान कल्पा में गए, तो उसे एक गर्व का महसूस भी हुआ हमें भी और सभी हिमाचल वासियों को भी हुआ होगा। तो इसी तरह का रहा। और बाकी जो जो मौसम की ने जो करवट ली थी उतने दिन पहले, वो एक बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से पार्टी सब स्मूथली अपना अपना जगह पहुंच जाए, तो उसको हम लोग निरंतर देख रहे थे। अदरवाइज हमारा अच्छा रहा, इट इज अच्छा एक्सपीरियंस पूरा चुनाव में। हम लोग स्पेशली हिमाचल में मैं समझता हूँ बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हिमाचल में जो महिलाओं का जो मत प्रतिशत जो है वो ज़्यादा रहता है और महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है और वही उनके वोटर टर्नआउट में भी नज़र आता है। तो ये अच्छी बात है एक एम्पावरमेंट की दृष्टि से भी और उनके पार्टिसिपेशन की दृष्टि से भी, और महिलाओं को एनकरेज करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स भी लिए जाते हैं, जैसे 157 पिंक बूथ्स बनाए गए जिसमें सभी महिला कर्मी थी और सुरक्षा कर्मी भी महिलाएँ थी। उसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर भी प्रयास रहता है कि सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हों, जिससे कि ऐसे सेपरेट क्यूज़ रहें और सेपरेट टॉयलेट्स रहें जिससे महिलाओं को कोई असुविधा ना हो। तो हमारा निरंतर ही प्रयास रहता है। मुझे खुशी है कि महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट है पार्टिसिपेशन है वो अधिक है, स्टेट एवरेज से भी ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम कितने वोटर्स ने सर इस टाइम इस बार जो अपने वोट, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स जो 18-19 ईयर्स के वोटर्स एज ग्रुप के थे 193,000 थे। और इसमें ये एनालिसिस नहीं हम लोग कर पाते हैं कि उसमें से कितनों ने वोट किया, लेकिन मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए कि उनका जो पार्टिसिपेशन काफ़ी रहा है जो जो ओवरऑल एवरेज के आसपास ही रहा होगा,
बट ये एज कोहर्ट वाइज किसने कितना वोट किया उस टाइप का डेटा हम लोग कलेक्ट नहीं करते. 90% है जो जनरल वोटर्स में ईवीएम्स में, वो 76.8% है और पुरुषों का 72.4 है. तो एक बार फिर से महिलाओं ने इसमें वोट प्रतिशत में बाजी मारी है और महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के वोट प्रतिशत से लगभग 4.5% ज़्यादा है.